अब हम बात करते हैं आपको ये फॉर्म किस हिसाब से भरने हैं सबसे पहले तो आपका इस हिसाब से अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा मैंने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाला है और इसको सेल्फ भरा है अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको खुद से भरनी है और कौन सी चीजें डिपार्टमेंट यहां पर भरेगा अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के तो आपको डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाने हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसके अलावा उसके साथ ही साथ एक टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी कि कौन कौन से फॉर्म आपको लेकर जाने हैं कितनी इनकी कॉपीज लेकर जानी है कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसके साथ ही साथ इन फॉर्म को किसी हिसाब से भरना है हेलो अभिवान दिस इज भाग्यश्री होप फुल ऑल आर डूइंग वेरी वेल सबसे पहले तो कंग्रेचुलेसन उन सारे कैंडिडेट को जिनका फाइनल रिजल्ट में नाम आया है उसके साथ ही साथ उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है आप सभी जानते हैं आज डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का पहला दिन था तो आज के दिन का मैं कंक्लूजन बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं विभिन्न कोडल फॉर्म्स आपके लिए यहाँ पर मंगवाए गए हैं एफ थर्टी सिक्स एफ और सी वी फॉर्म्स इन सारे टॉपिक्स पर आ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्म लेकर जाने कितनी इनकी कॉपीज लेकर जानी है कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसके साथ ही साथ इन फॉर्म को किस हिसाब से भरना है सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि डॉक्यूमेंट्स के लिए किससे बुलाया जा रहा है क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा एक दो भाई ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मैम मैं, मैं मेडिकली अनफिट हूँ तो क्या मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो जो स्टूडेंट मेडिकली फिट है डिपार्टमेंट की तरफ से केवल और केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बारे में दो दिन पहले कम्युनिटी में मैंने आपको एक नोटिस शेयर किया था उस नोटिस को अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आपको क्राउंड एंड न्यू पुलिस लाइन किंग्स वे कैंप पर बुलाया गया है और विभिन्न रोल नंबर वाइज जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आपको बताया गया है उसके साथ ही साथ एक टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी पहले आपकी ज्वाइनिंग का था कि रोजगार मेला जो होने वाला था ट्वेंटी को उसमें देने की बात की गई थी बट अब वो एक्सटेंड हो गया है तो अब आपकी ज्वाइनिंग की डेट यहां पर नौ फरवरी बताई जा रही है तो फर्म है आपको ज्वाइनिंग नौ फरवरी तक यहां पर दे दी जाएगी अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो आपको डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर लेकर जाने हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसके अलावा बॉयज है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर जरूर लेकर जाए विभिन्न कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है उसके अलावा अगर आप एनसीसी इत्यादि से बिलोंग करते हैं तो एनसीसी का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाए अब एक बात मैं बताना चाहूंगी वो सारे कैंडिडेट जिसने जब आपका फिजिकल हुआ था उस टाइम पर मान लीजिए आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट यहां पर नहीं दिखाई है और अब आप बोलते हैं कि मुझे एनसीसी का मार्क्स मिलेगा तो अब आप उसको ओरिजिनली सबमिट करवाइए क्योंकि जब आपकी लिस्ट निकली थी वो एनसीसी के मार्क्स इंक्लूड होकर ही यहाँ पर निकली थी उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स इत्यादि से बिलोंग रखते हैं और वहां पर अगर आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट रखते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लेकर जाइए उसके अलावा आर आर यू सर्टिफिकेट वी डब्ल्यू पीपी सर्टिफिकेट हिल एरिया इत्यादि से बिलोंग करते हैं तो हिल एरिया इत्यादि का सर्टिफिकेट उसके अलावा रेजिनेशन फॉर्म प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इत्यादि यहाँ से लेकर जाए उसके अलावा दिल्ली पुलिस से अगर आप बिलोंग करते हैं और कमांडो इत्यादि की ट्रेनिंग कर रखी है तो कमांडो सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाए उसका आपको बेनिफिट मिलेगा उसके अलावा अगर आप आर्मी इत्यादि में आ, पहले आपने नौकरी की है तो आप डिस्चार्ज बुक जरूर वहां पर लेकर जाए पी, -पी लेकर जाए एंड एन लेकर जाए अगर आप अदर डिपार्टमेंट के हैं तो एन का मतलब होता है नोन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट में थे और अब आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको एन सर्टिफिकेट की नीड होगी यानी कि आपके डिपार्टमेंट या विभाग को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है यदि आप दिल्ली पुलिस को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं उसके साथ ही साथ आपको अपने पूर्व डिपार्टमेंट को रिज़ाइन भी देना पड़ेगा तो रिज़ाइन लेटर आप जरूर वहां पर लेकर जाइए अब कुछ कैंडिडेट या कुछ ऐसे कुछ कैंडिडेट है या फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहां का रिज़ाइन लेटर बनने में टाइम लगता है बट आपको डेट यहां पर 9 से 12 तक की ही दी गई है आप अपना रिज़ाइन सर्टिफिकेट लेकर

तो अपनी मेडिकल की डेट देनी है जो भी जिस दिन आपका मेडिकल हुआ था उस दिन की यहां पर डेट लगानी है उसके बाद में क्या करना है उसके बाद में सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास में अपनी फाइव इंटू सेवन सेंटीमीटर की पास स्पोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर होनी चाहिए तो आपके फोटो के ये आकार दिया हुआ है इसी आकार के आपके यहाँ पर फोटो होनी चाहिए दो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया है साक्षांकन फॉर्म में झूठी सूचना देने या किसी भी तथ्य को छिपाना अनहर्ता समझी जाएगी उसके लिए उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए योग्य समझे जाने की संभावना है तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है सेम पॉइंट दूसरा दिया हुआ है इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नज़रबंद गिरफ्तार किया जाता है उस पर मुकदमा चलाया जाता है बंदी जुर्माना दंडित विवर्जित दोष मुक्त आदि किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल आपको पुलिस भर्ती विभाग दिल्ली ग्यारह ट्रिपल जीरो नौ को भेजी जानी चाहिए ऐसा नहीं करने पर समझा जाएगा कि वास्तविक सूचना आपने क्या की है छुपाई है तो दूसरा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है तीसरा ये पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति की सेवा में कभी भी यह पता चलता है मान लीजिए वो अन... सेवा कर रहा है और उसमें यह पता चलता है कि साक्षांकन फॉर्म में झूठी सूचना आपने दी है या किसी भी तथ्य को आपको छिपाया है तो आपकी सेवाएं उसी वक्त क्या कर दी जाएगी समाप्त कर दी जाएगी तो इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना इस फॉर्म को भरने से पहले अब आते हैं हम फॉर्म की तरफ तो फॉर्म आपका किस हिसाब से है सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया है आपको अपना पूरा नाम साफ़ और बड़े अक्षर में लिखना है और उपनाम सहित मान लीजिए किसी का नाम अजय कुमार है तो मैंने यहाँ पर फॉर्म को भरा है एक्स वाई जेड कुमार तो इस हिसाब से सबसे पहले आपको अपना नाम उसके बाद अपना अपना सरनेम भरना है सेकेंड पॉइंट आपका दिया हुआ है वर्तमान आपको अपना पूरा पता ग्राम थाना जिला मकान नंबर गली सड़क मार्ग नगर पिन कोड सहित आपको यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देनी है उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपके घर का पता ग्राम थाना जिला मकान इत्यादि पिन कोड सहित पूरी डिटेल

यानि के समय जब आपकी आयु थी वो सारी आपको यहां पर भरनी है डेट ऑफ बर्थ भर दी उसके बाद में आपकी प्रेजेंट एज कितनी है बीस इयर्स आठ मंथ इस हिसाब से और मेट्रिक के टाइम पे आपकी कितनी एज थी वो सारी आपको यहाँ पर भरनी है आठवा पॉइंट आपका है प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट जहाँ पर आप रहते हैं वो सारी चीज़ें आप किस जिले या राज्य से संबंध रखते हैं वो सारी चीज़ें उस जिले व राज्य का नाम जहाँ से आपके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं वो सारी चीज़ें आपको आप यहाँ पर बढ़नी है नब्बे पॉइंट में आपको अपना धर्म जाति उसके अलावा क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं यदि हाँ या नहीं के रूप में आपको यहाँ पर उत्तर देना है तो ये मेनली आपके नोट पॉइंट थे उसके बाद में दसवां पॉइंट आपका रहता है कि उन स्थान का आपको ब्यौरा देना है जहाँ पिछले पाँच वर्षों में से वर्ष से अधिक समय तक आप रहे हैं मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर से बाहर तैयारी करते हैं और पिछले पाँच वर्ष में एक वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर रहे हैं तो उनको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है कब से रह रहे हैं कब तक रह रहे हैं निवास का पूरा नाम गाँव थाना जिला मकान नंबर गली संख्या पिन कोड सहित आपको इत्यादि यहाँ पर देनी है मान लीजिए को कोई स्टूडेंट तैयारी के लिए मुखर्जी नगर आता है तो मान लीजिए 2018 से 2020 तक उसने तैयारी करी तो 2018 से आया 20 तक तैयारी करी मुखर्जी नगर में तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है उसके बाद में ग्यारहवा पॉइंट आपका यहाँ पर रहता है कि आपको अपना पूरा नाम और सरनेम या उर्फ़ नाम ये सब रखना है यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है अपने फादर्स नेम मदर्स नेम पति या पत्नी का नाम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है उसके अलावा आपका पॉइंट बनता है बारहवां पॉइंट और बारहवें पॉइंट में आपको क्या चीज़ें फिल करनी है यदि आप विदेश में पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं आपके पुत्र पुत्र इत्यादि उसके मामले में ये सारी सूचनाएं यहाँ पर लेनी है अगर ये सब सूचनाएं हैं तो इसे फिल कीजिए अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए तेरहवा पॉइंट आपका ये है कि आप पंद्रह वर्ष की आयु से किन किन स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करे हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है स्कूल और कॉलेज का नाम कब आपने एडमिशन लिया था कब आपने उसे छोड़ा था और परीक्षा कब आपने पास की थी तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है उसके अलावा आपका एक पॉइंट होता है कि आप यदि आप इस समय सेंट्रल या फिर अपनी स्टेट या फिर अर्ध सरकारी या फिर सरकारी निकाय में किसी भी गैर सरकारी उपक्रम या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या फिर पहले काम किया है तो उसकी आपको डिटेल भरनी है कि आप कब से कब तक आपने काम किया है आप किस पद पर थे और रोजगार का आपका क्या स्वरूप था नियुक्ता का नाम पता और अगर आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो नौकरी पहली नौकरी छोड़ने का कारण यहाँ पर भरना है उसके अलावा एक पॉइंट आपका ये होता है कि आप पिछली सेवा भारत सरकार राज्य सरकार भारत सरकार या किसी सरकार के उपक्रम निकाय विश्वविद्यालय स्थानीय निकाय के अधीन थे किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के नियम अधीन नियम पाँच के अधीन किसी भी प्रकार के नियम में नोटिस देकर अगर आपको सेवा आपने छोड़ी है या आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की गई है तो उसके बारे में यहाँ आप पर आपको स्पष्टीकरण मांगा गया है उसके अलावा अब आते हैं बहुत ही सीरियस पॉइंट इन सारे पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से भरना है सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आप कभी नज़रबंद किए गए हैं तो इसे या ना के रूप में देने के बजाय पूरा लिखना है कि मैं कभी नज़रबंद नहीं किया गया उसके अलावा दूसरा पॉइंट है क्या आप गिरफ्तार हुए हैं नहीं मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है इस हिसाब से आपको पूरा यहाँ पर सेंटेंस में लिखना है क्या आप कभी बंदी बनाए गए नहीं मैं कभी बंदी नहीं बनाया गया क्या आप पर किसी प्रकार का विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया यदि हाँ तो किस विधि या न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया उसकी डिटेल यदि नहीं तो नहीं किया गया पूरा लिखना है क्या आपके खिलाफ कभी भी कोई एफ दर्ज हुई है यदि नहीं तो लिखना कि नहीं हुई है एफ दर्ज यदि हाँ तो आपके एफ या केस का मामला यहाँ पर लिखना है उसके बाद में एक पॉइंट है कि क्या आप पर कभी कोई मुकदमा चलाया गया यानी कि आपके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर की गई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है जी पॉइंट है कि इस साक्षात को भरते समय आप पर कोई आपराधिक मुकदमा या शिकायत में लंबित है यानी कहने का मतलब है जब आप इस फॉर्म को भरते हैं उस टाइम पर आपको ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या फिर किसी अदालत में वो पेंडिंग चल रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है क्या आप कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है उसके बाद में क्या सरकार के अधीन किसी भी शिक्षण संस्था से कार्य मुक्त या निष्कासित किए गए हो आप उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी है तो ये सारी डिटेल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक लिखनी है एक भी बात आपको यहाँ पर यहाँ पर नहीं छुपाना है नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्या आपको कभी किसी भी लोक सेवा आयोग यू वाली आयोग या कर्मचारी चयन आयोग एस द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से रोका गया है या फिर आपको अयोग्य ठहराया गया है यदि ठहराया गया है तो उसका रीजन लिखना है अदरवाइज नहीं ही ठहराया गया ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी है उसके अलावा क्या कभी आपको किसी विश्वविद्यालय या वी किसी अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका गया या फिर निष्कासित किया गया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इस साक्षात को भरते समय किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके अगेंस्ट कोई मामला तो नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है तो नहीं कोई मामला नहीं चल रहा है और यदि चल रहा है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी हैं जिस चीज़ पर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं देख उपरोक्त प्रश्न में यदि किसी प्रश्न का उत्तर में है तो उसके मामले में अगर एफ आई आर दर्ज हुई है या फिर शिकायत की गई है या फिर गिरफ्तार किया गया है या फिर कैद किया गया है जुर्माना लगाया है अपराध सिद्धि की गई है दंड सजा बंदी बरी रिहा इत्यादि का पूरा आपको विवरण देना है इस फॉर्म को भरते समय यदि मामला आपका न्यायालय में है विश्वविद्यालय में है शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में पेंडिंग चल रहा है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर रिटर्न में देना है कोई भी चीज़ या कोई भी साक्ष्य आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छुपाना है उसके बाद में नेक्स्ट आपको पॉइंट होता है कि क्या आप ऋण मुक्त हुए हैं या किसी ऐसे दीवानी मुकदमे में संलिप्त है जिसमें आपको पुलिस विभाग की नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जाए तो आपको लिखना है कि हाँ हम ऋण मुक्त हैं यदि आप नहीं हैं तो ऋण मुक्ति का या मुकदमे के बारे में आपको यहाँ पर पूरा विवरण देना है पंद्रवा पॉइंट होता है कि क्या आप कभी चिकित्सा के आधार पर पुलिस या किसी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य ठहराए गए कहने का मतलब ये है कि आपका पहले किसी एग्जामिनेशन में मेडिकल हुआ है और मेडिकल में अगर आप अनफिट हो गए हैं तो उसकी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होती है नोट ध्यान देने वाली चीज़ें यहाँ पर ये है कि कृपया इस साक्षांकन फॉर्म के पहले चेतावनी को भी देखिए चेतावनी मैंने आपको बताई दी थी जो स्टार्टिंग के तीन पॉइंट हैं उनको अच्छे से पहले ध्यान रखना है यथास्थिति स्थिति हाँ या ना को काट कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए जो मैंने आपको बता ही दिया है केवल हाँ या केवल ना नहीं लिखना है आपको पूरी डिटेल यहाँ पर लिखनी है उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अपने इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिखने हैं और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ उनके आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर लिखने हैं तो दो अपने मोहल्ले के व्यक्ति और उनके आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में घोषणा पत्र है अब घोषणा पत्र बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ ऊपर दी गई सूचना जहाँ तक मुझे पता है और विश्वास है सही है पूर्ण है मुझे इस बात की पूरी जानकारी है इस फॉर्म को भरते समय गलत सूचना देना या तथ्य को छिपाने पर अधिकारी को मेरे नियुक्ति पत्र को समाप्त करने का पूरा अधिकार है और मैं परिणाम स्वरूप उपयुक्त आपराधिक नागरिक कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ <laughs> कहने का मतलब ये है अगर आप कोई भी गलत सूचना देते हैं या किसी तथ्य को छुपाते हैं तो अधिकारी को पूरा अधिकार है कि आपके नियुक्ति पत्र को वो समाप्त कर सकते हैं ठीक है मैं ऐसी किसी भी स्थिति से परिचित नहीं हूँ जिसके कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए अयोग्य हो सकूँ कहने का मतलब है आपको सारी बातें यहाँ पर पता है आप किसी भी परिस्थिति से परिचित नहीं हैं ऐसी बात यहाँ पर नहीं है टास्ट में आपको क्या करना है अपने साइन करने हैं और अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में और अपने रोल नंबर यहाँ पर लिखने हैं ये आपका अंडरटेकिंग हो गया उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट और प्लेस लिखना है उसके बाद में आपका नेक्स्ट फॉर्म हो जाता है फॉर्म नंबर 12.18 पॉइंट वन एट पुलिस डिपार्टमेंटल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे सबसे पहले पुलिस विभाग आपका दिल्ली पुलिस होगा उसके बाद में भर्ती की डेट ये आपको ब्लैंक छोड़ देनी है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर तो ये सारी चीज़ें भी आपको ब्लैक छोड़ देनी है उसके अलावा नेम आपको अपना फुल नेम लिखना है नंबर आपको ब्लैक छोड़ देना है पद में कॉन्स्टेबल लिखना है फादर्स नेम जाति धर्म व्यवसाय आपका रेजिडेंस पूरा पता पुलिस थाना आपका कौन सा लगता है जिला और उसका डिस्क्रिप्शन देना है उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन बॉडी शरीर पर पहचान चिन्ह जैसे कि किसी के मोल ऑन राइट हैंड होता है इस इस हिसाब से अपनी कोई ना कोई पहचान यहाँ पर लिखनी है उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है नौकरी के बारे में पहले आपने मान लीजिए कहीं नौकरी की है तो उस नौकरी का ब्यौरा देना है अगर आप उस नौकरी को छोड़ते हैं तो उसकी छोड़ने की तिथि लिखनी है और कितने पीरियड तक आपने वहाँ पर सर्विस की है वो लिखनी है उसके बाद में आप किस पद पर थे और कब आप भर्ती हुए थे वो सारी डिटेल लिखनी है नौकरी छोड़ने का ब्यौरा यहाँ पर देना है रैंक के बारे में बताना है नेक्स्ट पॉइंट आपको होता है परिवार के सदस्यों का नाम और पता अपने फादर्स मदर्स वाइफ हस्बैंड सन डॉटर ब्रोदर और सिस्टर इत्यादि की सारी डिटेल यहाँ पर लिखनी है नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है कि उस रिश्तेदार का नाम जो सरकारी सेवा में रहे हैं और आपका उनसे क्या संबंध है पूरा आपका कोई भी रिलेटिव जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है उसका नाम पता और किस रिलेशन में है किस पद पर है किस विभाग में है कौन से स्थान पर है और उसके बारे में क्या आप जानते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है एक पॉइंट आपका ये होता है कि आप अपना नॉमिनी किससे घोषित करना चाहते हैं तो जिसे भी आप अपना नॉमिनी घोषित करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम होगा नॉमिनी आपका ब्रदर सिस्टर मदर फादर कोई भी यहाँ पर हो सकता है उसके बाद में आपको उसका अपना पूरा एड्रेस लिखना है लास्ट में मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि ऊपर दी गई सोचना जहां तक मुझे पता है विश्वास है सही है पूर्ण है किसी भी स्थिति से परिचित नहीं हूं जिसके कारण मैं सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य न हो सकूँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे आपका नेम हो जाएगा ब्लॉक लेटर में और आपके यहाँ पर रोल नंबर फिल हो जाएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट लिखनी है और प्लेस लिखना है अब मैं घोषणा करता हूँ कि अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा मैं विवाहित हूँ अविवाहित हूँ विधुर हूँ या विधवा हूँ अगर आप अनमेरिड है तो आपको सिर्फ यहाँ पर अनमेरिड करके छोड़ देना है अगर आप मेरिड है तो आपको आगे की यहाँ पर डिटेल कंटिन्यू भरनी है उसके बाद में हम बात करते हैं फिर से मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि मेरी नियुक्ति के बाद गलत घोषित किए जाने में मैं सेवा से बर्खास्त तो होने के लिए उत्तरदायी हूँ ठीक है बार बार इसी चीज़ पर फोकस है कि आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर सही व सटीक लिखें कोई भी तथ्य को छिपाने की कोशिश न करें उसके बाद में आपके सिग्नेचर नाम और आपका रोल नंबर यहाँ पर है अब उसके आगे की जो डिटेल होती है उसको आपको नहीं भरना है ये सारी डिटेल भरेंगे थाना प्रमुख यानी कि थाने का एस एच ओ जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है जितनी डिटेल्स आपको भरनी थी ऊपर मैंने आपको समझा दी अब आने वाली ही, आगे की डिटेल है ये सारे आपको भरेगा थाने का एस एच ओ तो ये आपकी डिटेल है फोम पेज नंबर दस से लेकर यहाँ पेज नंबर ग्यारह तक एस एच ओ भरेगा उसके बाद में आपका आता है फॉर्म एट्टी टू तो फॉर्म एट्टी टू क्या है सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर यानी कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है फॉर्म 82 उसमें सबसे पहले आई हैव नोन टू जिससे आप बनवा रहे हो वो आपका नाम लिखेगा आप सन या डॉटर ऑफ डैश आपका प्रॉपर रेजिडेंस आप कितने सालों कितने मंथ से यहाँ पर रह रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखना है एंड जो भी आप जिससे बनवाएंगे उसका यहाँ पर नाम आएगा इज नॉट रिलेटेड टू मी यानी कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है उसके बाद में उस बंदे के सिग्नेचर नेम डेस्टिनेशन ऑफिस की उसकी सील जिस पद पर वो यहाँ पर कार्यरत हैं अब आपका करेक्टर सर्टिफिकेट किस किस से बनवा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्ट्रेट सर्विंग ऑफ गजेटेड ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तहसीलदार नयाब तहसीलदार प्रिंसिपल ऑफ एनी रिकोगनाइज स्कूल और कॉलेज जहाँ पर आप पढ़े हुए हैं उसके प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं उसके अलावा बी से पोस्टमास्टर से सरपंच से या विलेज पंचायत से आप यहाँ पर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उसके बाद फॉर्म एट्टी वन तो फॉर्म एट्टी वन किस बनवाएंगे एस डी एम या नया आप तहसीलदार से, से यहाँ पर बनवाएंगे इनके सिग्नेचर यहाँ पर चलेंगे तो फॉर्म एट्टी वन कुछ हिसाब का है एग्रीमेंट है ये अब जिन स्टूडेंट का एग्रीमेंट रेडी हो रहा है वो एग्रीमेंट अभी लेकर जाए जिनका एग्रीमेंट रेडी नहीं हो रहा है वो जब आपको ज्वाइनिंग की डेट दी जाए ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए उस टाइम पर आपको यहाँ पर बनवा लेना है अपना एग्रीमेंट और सबमिट करवाना है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पुलिस ऑफिसर रोल नंबर आप एक श्योरटी आपका जो होगा उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो गए होंगे श्योरिटी आपके पिताजी भी हो सकते हैं विटनेस आप अपने दो लेकर जाएँ उनके सिग्नेचर उनके फुल एड्रेस यहाँ पर होने चाहिए तो ये था आपका फॉर्म 82 अब बात करते हैं फॉर्म 83 की तो फॉर्म 83 आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर्म आप या तो घर से भी भर सकते हैं या फिर स्टाफ के अंडर में आप यहां पर भरें उसमें आपको अपना नाम पिता का नाम रोल नंबर एड्रेस ये सारी चीज़ें भरनी है अंडरटेकिंग में आपको ये बात ध्यान रखनी है जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है वो बातें आप ध्यान रखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कि आई हैव नाइदर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस नोर बीन अरेस्टेड प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड बाउंडेड यानी कि ना तो मैं किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हूँ ना ही मैं कभी अरेस्ट किया गया हूँ प्रोसिक्यूट किया हूँ कन्विक्ट किया हुँ गया हूँ या फिर बाउंड किया गया हूँ ठीक है उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की है कि माई एयरफोर्स से सेक्शन शेल बी लाइबल टू तो बी कैंसल्ड एंड माई सर्विस शेल बी लाइबल टू तो बी टर्मिनेटेड अगर आप कोई भी सूचना गलत देते हैं तो आपकी सर्विस में सर्विस में आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसके बाद में आपके यहाँ पर सिग्नेचर नेम एंड रोल नंबर यहाँ पर फिल करने हैं तो ये सारी डिटेल्स थी आपके फॉर्म की विभिन्न कोडल फॉर्म जो आपके बताए गए हैं उनकी एक ही बात पे मैं बार बार फोकस करती हूँ कि आप अपने द्वारा दी गई सूचनाएँ बिल्कुल सटीक व सही भरे किसी भी सूचना को यहाँ पर या किसी भी तथ्य को छिपाने की कोशिश न करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट बनते थे मैंने अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ेगा और वो सारे भाई जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है आने वाले दिनों में होने वाला है उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो गलती करने से बचे और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छे से यहाँ पर सबमिट कर पाए अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद